2026 में हॉट टैक्सी की सेवा शुरू होगी। इसकी ग्लोबल बिड जो है वो इस सप्ताहांत जो है वो निकल जाएगी। सितंबर में कंसेशनर एग्रीमेंट होगा, दिसंबर से काम शुरू हो जाएगा और ये परियोजना जो है वो 2 साल में पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अभी शुरुआत में हमने 112 पार्ट चलाएंगे जिसमें कि 6 यात्री बैठ सकते हैं हर पार्ट में, लेकिन ये इसमें 12, 18 और 24 पार्ट वाले भी आते हैं। जो ट्रैक बनेगा वो 24 तक के लिए बनेगा, लेकिन शुरुआत में 6 वाला चलेगा। और क्या कनेक्टिविटी रहेगी जियो एयरपोर्ट से? देखिए जियो एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी के लिए ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे हम लोग बना रहे हैं, बल्लभगढ़ से लेकर के 31 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है और फलेदा कट पे जोड़ रहे हैं, इसमें दोनों तरफ से काम शुरू हो गया, NHAI बना रहा है। इसके अलावा जो है एक पार्ट टैक्सी की कनेक्टिविटी हो रही है, एक चोला से जेवर को जोड़ने के लिए रेल कनेक्टिविटी का प्रस्ताव हमने भेजा है। साथ ही साथ हाई स्पीड मेट्रो की भी DPR बनाई गई है जिसके बारे में शासन में 14 तारीख को बैठक है। और इसके अलावा रैपिड रेल पर भी बात चल रही है कि रैपिड रेल जो गाज़ियाबाद से मेरठ से जो आई है दिल्ली, उसका भी एक्सटेंशन मथुरा तक किया जाए, लेकिन उस पर अभी DPR बनने की स्टेज पे है, तो एक रैपिड रेल की भी संभावना बन रही है कि रैपिड रेल भी यहाँ चलेगी।